जैन स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने देखना चैप्टर पढ़ रहे थे विलियन, कहाँ तक पढ़ लिया था देखना विलियन, परिभाषा पढ़ ली थी अपने, मात्रक पढ़ लिए थे, प्रकार पढ़ लिए थे। पूरा चैप्टर इतना है जिसमें तीन ये विलियन पढ़ने हैं, द्रव में ठोस, द्रव में गैस, द्रव में द्रव, अणुसंख्या, गुणधर्म, वाट, अपूर्णांक, जिसमें से इतना पार्ट अपने पढ़ लिया था पीछे के लेक्चरों में। आज अपने स्टार्ट करते हैं क्या, द्रव में ठोस विलियन। ठीक, तो आज अपनी हेडिंग क्या होगी, द्रव में ठोस विलियन होगी। तो ये मैंने लिखा द्रव में ठोस विलयन। ठीक, पहले तो इसकी परिभाषा समझना, द्रव में ठोस विलयन किसे कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है, द्रव में ठोस यानी विलायक कौन है, द्रव। तो मैं कहूंगा ऐसा विलयन जिसमें विलायक कौन है, द्रव है, और विलय कौन है, विलय क्यों है, ठोस। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव हो और विलय ठोस हो, द्रव में ठोस विलयन कहलाता है। उदाहरण बताओ, उदाहरण हो गया जैसे जल में नमक, जल में चीनी, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब द्रव में ठोस विलयनों की सबसे पहले पढ़नी है आपको विलयता। क्या पढ़नी है, विलयता। ठीक, सभी की हेडिंग यही रहेगी, सभी प्रकार के तीनों टाइप में ही पढ़ेंगे अपने। तो विलयता में देखना सबसे पहले क्या पढ़ना है, विलयता की परिभाषा पढ़े, कौन से विलयनों की विलयता, द्रव में ठोस विलयनों की विलयता। तो आप कहोगे विलयता को ताप प्रभावित करता है, इसलिए आपको ताप क्या रखना है, निश्चित, कि निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर 100 ग्राम, ये आपकी बुक में दी हुई है, वही परिभाषा मैं लिखा रहा हूं, यही आपको याद करनी है। निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, द्रव में ठोस विलयनों की विलयता कहलाती है। द्रव में ठोस विलयनों की या विलयन की विलयता कहलाती है। कोई समस्या को नहीं, आसान सी परिभाषा है, विलयता कहलाती है। भाई आपके पास विलायक कितना है, 100 ग्राम है, विलायक कितना है, 100 ग्राम है, इस प्रकार से कोई पात्र है, इसमें विलायक कितना है, 100 ग्राम। इस 100 ग्राम विलायक में आप विलय की कितनी अधिकतम मात्रा घोल सकते हो, ये तो है नहीं कितनी भी घोल सकते हो, एक निश्चित अमाउंट होगी, उसके बाद घुलना बंद हो जाएगी। तो आपको वही मात्रा ज्ञात करनी है, वही इसकी क्या कहलाएगी, विलयता कहलाएगी। तो परिभाषा क्या मिलेगी, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय की अधिकतम मात्रा द्रव में ठोस विलयनों की क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। ठीक है, दुष्ट कांग्या भी। अब देखना ये जो विलयता है, ये विलयता हो सकती है किस किस में हो सकती है, ये विलयता यदि आपने विलय को लिया ग्राम में, तब तो ये होगी ग्राम प्रति लीटर में। दो प्रकार के मात्रक बन सकते हैं, एक तो ग्राम प्रति लीटर, और दूसरा क्या मात्रक बन सकता है इसका, दूसरा इसका मात्रक बन सकता है यदि विलय का लिया आपने मोल, तो इसकी परिभाषा बन जाएगी मोल प्रति लीटर। समझ में आई बात है कि नहीं है, दो प्रकार की क्या हो सकती है इसके मात्रक हो सकते हैं, एक तो ग्राम प्रति लीटर में और एक किस में हो सकता है इसका, मोल प्रति लीटर में, दोनों मात्रक सही है। ठीक है, ये लो जी पहली हो गई विलयता। कौन से विलयन पढ़ रहे हो पता है ना, द्रव में ठोस विलयन। अब द्रव में ये जो ठोस विलयन है, इस द्रव में ठोस विलयन की इस विलयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग आती है द्रव में ठोस विलयनों की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। बस कारक पढ़ने और बाद में ये विलयन का पहले टाइप का विलयन कंप्लीट, ये जो पढ़ रहे हो ना पहला कौन सा, द्रव में ठोस विलयन, ये कंप्लीट हो जाएगा। पहले विलयता की परिभाषा, फिर प्रभावित करने वाले कारक, ये इसमें पढ़ेंगे, पहले विलयता फिर प्रभावित करने वाले कारक। विलयता पढ़ ली, विलयता को प्रभावित कौन कौन करता है, तो इसमें देखना भाई विलयता है वो किस किस से चीज प्रभावित होगी, कब विलयता को घटा सकते हैं, कब विलयता को अपने क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से वो चीज है। तीन कारक होते हैं इसमें, कितने कारक होते हैं, तीन, दोनों को पहले को एक साथ बना देता हूं मैं। पहला है विलय व
विलायक, विलायक की प्रकृति, पहला कार्य कौन सा है याद करो, बोलो पीछे पीछे याद हो जाएगा, विलय व विलायक की प्रकृति। दूसरा कारक होगा इसका कौन सा, ताप। दूसरा कारक कौन सा होगा, ताप। और तीसरा कारक कौन सा होगा, दाब। खैर तीसरा तो इसमें आएगा ही नहीं, प्रभावित करेगा ही नहीं दाब तो, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। कितने कारक हैं, तीन। कौन कौन से हैं, विलय व विलायक की प्रकृति, ताप व दाब। अब अपने इनको एक एक करके पढ़ते हैं, बताओ सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, द्रव में ठोस विलयनों की विलयता को प्रभावित करने वाला कारक नंबर एक होगा विलय व विलायक की प्रकृति। ये लो जी मिटा दिया, ठीक। अब अपने पढ़ने हैं विलय व विलायक की प्रकृति, तो देखना विलयता का सूत्र होता है, विलयता का सूत्र क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं विलयता का सूत्र। विलयता का सूत्र होता है समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल लाइक, समान समान को घोलता है, ये याद रखना पड़ेगा, समान समान को घोलता है। इस समान समान को घोलता है का मतलब यह है कि यदि आपके पास विलायक है ध्रुवीय, विलायक कैसा है ध्रुवीय, तो फिर उसमें ध्रुवीय विलय ज्यादा घुलनशील होंगे, ध्रुवीय विलय क्या होंगे, ज्यादा घुलनशील। यदि विलायक है कैसा, अध्रुवीय, तो उसमें कौन से विलय ज्यादा घुलेंगे, ध्रुवीय, अध्रुवीय विलय ज्यादा घुलेंगे। ध्रुवीय विलायक है तो ध्रुवीय विलय, अध्रुवीय विलायक है तो अध्रुवीय विलय। अब आपको पता नहीं ध्रुवीय कौन से होते हैं, अध्रुवीय कौन से होते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखना ध्रुवीय आप समझ जाओगे। आयनिक यौगिक जो होते हैं मोस्टली वो कैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय विलय जैसे कि कौन कौन से होंगे ध्रुवीय विलय, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ध्रुवीय विलय हो गए जैसे यहां पे मैंने लिखा NaCl सबसे अच्छा एग्जांपल, मैंने लिखा KCl सबसे अच्छा एग्जांपल, ये सब कैसे विलय हैं, ध्रुवीय विलय। और लिख सकते हो आप, जैसे मैं लिख दूं KCl हो गया, KBr लिख सकता हूं, समझ में आ रही है बात, ये कैसे होते हैं ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलय होते हैं। तो ये जो ध्रुवीय विलय है ये ध्रुवीय विलायक, और ध्रुवीय विलायक कौन सा होता है आपको पता ही है, सबसे अच्छा ध्रुवीय विलायक, सबसे अच्छा विलायक कौन सा होता है, जल होता है। ध्रुवीय विलायक जैसे मैंने लिखा जल, इसमें क्या होते हैं, ज्यादा घुलनशील होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे पर्सन क्या आएगा, पर्सन कोई आएगा नहीं, आएगा तो ज्यादा से ज्यादा ये आएगा कि NaCl KCl आदि जल में क्यों घुलनशील होते हैं, तो आप कहोगे ये इसलिए घुलनशील होते हैं क्योंकि इनकी प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय, यानी कि ये ध्रुवीय विलय है और इसलिए ये जल जैसे ध्रुवीय विलायक में क्या होते हैं, ज्यादा घुलनशील होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। दूसरा देखना अध्रुवीय कौन से होते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं अध्रुवीय, ये तो ध्रुवीय हो गए, अध्रुवीय कौन से होते हैं, तो अध्रुवीय यहां पे लिख देता हूं मैं अध्रुवीय, अध्रुवीय विलायक हो गए, विलय हो गए अध्रुवीय विलय, अध्रुवीय विलय लिख रहा हूं मैं यहां पे, जैसे अध्रुवीय विलय हो गए I2 आयोडीन, समझ में आई बात। I2 के अलावा आप लिख सकते हो जैसे CO2, ये सारे इनकी प्रकृति कैसी होती है, अध्रुवीय होती है, कैसी होती है अध्रुवीय। तो ये जो अध्रुवीय विलय है ये अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक, और अध्रुवीय विलायक कौन से होते हैं, मुख्यतः कार्बनिक विलायक होते हैं, जैसे बेंजीन, जो किताब में दिए हैं वो एग्जाम्पल लिखा रहा हूं मैं, जैसे बेंजीन हो गई, जैसे एंथ्रासीन हो गई, जैसे नेक्टलीन हो गई, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं, ठीक। तो अध्रुवीय विलय है वो किसके अंदर घुलनशील होते हैं, अध्रुवीय विलायक के अंदर। अब यहां से प्रश्न क्या आएगा, कोई खास प्रश्न पहली बात तो आएगा नहीं, आएगा तो ये आएगा, या तो एग्जाम्पल देगा I2 का या एग्जाम्पल देगा CO2 का, कि I2 होती है ये जल में कम घुलनशील और बेंजीन में अधिक घुलनशील क्यों होती है, आप उत्तर लिखोगे क्योंकि I2 क्या है, अध्रुवीय विलय, और बेंजीन क्या है, अध्रुवीय विलायक, इसलिए I2 है वो बेंजीन में ज्यादा घुलनशील और जल में क्या होती है, कम घुलनशील होती है। ये लो जी पहला टाइप हो गया कंप्लीट, कोई समस्या के बताओ, पहला टाइप कंप्लीट हो गया, प्रभावित करने वाला कारक कौन सा था, विलय व विलायक की प्रकृति वो आपने बता दी, सूत्र क्या होता है घुलनशीलता का, लाइक डिजोल लाइक समान समान को घोलता है, तो ठेके की बात याद रखनी है कि जो अध्रुवीय विलय होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में जैसे I2CO2 के बेंजीन में ज्यादा घुलनशील होती है, ध्रुवीय विलय जैसे कि NaCl KCl ये किसके अंदर ज्यादा घुलनशील होते हैं,
तो आप कहोगे ये ज्यादा घुलनशील होते हैं किसमें, जल। दूसरा कारक कौन सा है, ताप। देखो कैसे समझना है इसको, ये आपके पास है विलय प्लस ये आपके पास है कौन सा, विलायक। विलय और विलायक को मिलाया आपने और मिला के क्या बना दिया, विलयन बना दिया। तो यदि विलय और विलायक को आपस में मिलाने से उष्मा का क्या हो सकता है, डेल एच बराबर हो सकता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, तो यहां पे डेल एच यानी कि उष्मा का उत्सर्जन भी हो सकता है, उष्मा का क्या हो सकता है, अवशोषण भी हो सकता है, यानी डेल एच पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल एच क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कि विलय और विलायक को मिलाकर आपने विलयन बनाया, तो विलयन बनाने से उष्मा का अवशोषण भी हो सकता है, उष्मा का उत्सर्जन भी हो सकता है। पहले मैं लिखता हूं नंबर एक की, यदि उष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, यानी डेल एच इज इक्वल टू क्या हो, पॉजिटिव हो, उष्मा का क्या हो, अवशोषण हो, यानी डेल एच क्या हो, पॉजिटिव हो, तो ऐसे विलयनों की विलयता, ऐसे विलयनों की विलयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है, ताप बढ़ाने से बढ़ती है, ताप बढ़ाने से बढ़ती है, कोई समस्या को नहीं। ऐसे विलयनों की क्या करनी पड़ेगी आपको, ताप बढ़ाना पड़ेगा, ताप बढ़ाने से विलयता बढ़ती है। क्या किससे पता चला, तो इसका पता चलता है ला सेतालिये के नियम से, जो आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि वो 11वीं क्लास का टॉपिक है, 12वीं क्लास में कभी भी ला सेतालिये के नियम से प्रश्न नहीं आएंगे। सीधा याद रखना आप लोग को, क्या याद रखना है कि ऐसे विलयन जिन, ऐसे विलयन जिनमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, यानी डेल एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उनकी ताप बढ़ाने से विलयता बढ़ती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, किससे पता चला इसका, ला सेतालिये के नियम से, ठीक है। अब आपके दूसरा एग्जाम्पल याद रखने आपको कि एग्जाम्पल कौन कौन से थे, तीन एग्जाम्पल है आपकी किताब में, तीनों आपको याद करने पड़ेंगे भी, रख लेना। एक तो होता है अमोनियम क्लोराइड, एक होता है NaCl, एक होता है AgNO3 और एक होता है NaNO3, दो तो छोड़ देना चाहिए, याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो भी कोई बात नहीं, NaNO3। ये इतने ऐसे विलय हैं RBC की बुक में आपके दिए हुए हैं, ये इतने ऐसे विलय हैं जिनको जल में घोलने पर उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, अर्थात इनको यदि आपने जल में घोला तो आपको ताप बढ़ाना है और ताप बढ़ाने से क्या बढ़ती है, विलयता बढ़ती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी है। तो इस पे दो टाइप के प्रश्न बनेंगे, कौन कौन से, एक तो ये कि ऐसे विलयन जिनको विलय और विलायक को घोलने पर उष्मा का अवशोषण होता है, ताप से किस प्रकार से प्रभावित होंगे, तो आप कहोगे कि ला सेतालिये के नियमानुसार ताप को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न ये बढ़ेगा कि अमोनियम क्लोराइड है या NaCl है, इसमें से कोई भी एक एग्जांपल दे दिया जाए कि जैसे HgNO3 है, इसको जल में घोला तो इसकी विलयता ताप बढ़ाने से क्यों बढ़ती है, तो आप कहोगे क्योंकि NaCl, HgNO3 या इनमें से कोई सा भी एक विलय है, इसको जल में घोलने पर जब विलयन बनता है तो ताप का क्या होता है, उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, इसलिए ताप बढ़ाने से विलयता बढ़ती है। ये आपको इतना क्या याद करना पड़ेगा, समझ में आई बात है कि नहीं, ये दृष्टि देना भी दे। ये हो गया। अब दूसरा देखना इसका क्या है, दूसरा है यदि आपने विलय और विलायक को मिलाया और विलय और विलायक को मिलाने से उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन। तो उष्मा का उत्सर्जन होता है, उनमें डेल एच का मान कैसा आता है, तो आप कहोगे डेल एच का मान आता है नेगेटिव। और ला सेतालिये के नियम के अनुसार ऐसे विलयनों का ताप कम करने पर, ताप कम करने से विलयता बढ़ती है, यानी ताप को क्या करना पड़ेगा, कम, ताप कम करने से विलयता बढ़ती है। किससे पता चला इस बात का, ला सेतालिये के नियम से, अल्लाजी बात कर। अब आपको याद रखने एग्जांपल, तो तीन एग्जांपल, तीनों याद करने पड़ेगा, तो चार एग्जांपल उसके, तीन एग्जांपल उसके, याद रखना पड़ेंगे आपको। छोटा प्रश्न पूछ सकता है, आज तक पूछा नहीं है लेकिन फिर भी पूछ ले छोटा प्रश्न, तो एग्जांपल भी आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन से हैं। एक तो होता है Li2SO4, लिथियम सल्फेट,
एक होता है जी NaOH, ठीक, और एक होता है कैल्शियम एसीटेट CaCH3COO नेगेटिव है, इसकी क्या है होल्ड वाइस कैल्शियम एसीटेट। ये तीन एग्जांपल है, ठीक। इनको यदि आपने क्या किया, जल के अंदर घोला, तो ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन, और ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो ताप क्या करना पड़ेगा, कम। ताप कम करने से इनकी विलयता बढ़ती है, कौन से नियम से, ला सेताली के नियम से। प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न आएगा लिथियम सल्फेट है, ये क्या है, एक प्रकार से लिथियम सल्फेट है, कि लिथियम सल्फेट है इसकी विलयता ताप घटाने से क्यों बढ़ती है, तो आप उत्तर लिखोगे क्योंकि लिथियम सल्फेट को जब जल में घोलते हैं तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और ला सेताली के नियमानुसार यदि ऊष्मा का उत्सर्जन हो तो ताप बढ़ाने से, ताप घटाने से क्या होगी, विलयता बढ़ेगी, ठीक। ये तो थे दो, अब इसका एक है अपवाद, ये भी याद रखना है क्योंकि अपवाद से मोस्टली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ग्लूमर लवण होता है Na2SO4.10H2O, इसका ताप, ये भी आरबीएससी में दिया हुआ है, नोट लगा के करवा रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल बुक पे करवा रहा हूं, ठीक है। अपवाद है क्या, Na2SO4.10H2O इसका नाम होता है ग्लूबर लवण। ये जो ग्लूबर लवण है इसकी विलयता 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने तक तो बढ़ती है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक, यदि आप ताप बढ़ाओगे कितने तक, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब तक तो इसकी विलयता बढ़ेगी। भाई ये विलयन है, इस प्रकार से आपने क्या घोल रखा है, इसमें ये क्या घोल रखा है Na2SO4.10H2O और इधर है जल, इसको आपने जल के अंदर घोल रखा है। जैसे जैसे ताप बढ़ाया आपने, विलयता बढ़ती जाएगी, कहां तक बढ़ती जाएगी, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जैसे ही ताप 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा जाएगा तो 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ज्यादा जाते इसकी विलयता घटनी स्टार्ट हो जाती है, यानी इसकी विलयता 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या हो जाती है, घट जाती है। ये है इसका अपवाद, बात समझ में आई कि नहीं। कोई कारण पूछ ले कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण भी मैं आपको बताता हूं। इसका कारण ये होता है कि 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बाद, कितने ताप के बाद, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बाद, ताप के बाद ग्लूमर लवण का जो क्रिस्टलन जल है, कौन सा जल है, क्रिस्टलन जल, क्रिस्टल जल कौन सा होता है, ये दैट डॉट टेनस, ये क्या हो जाता है, हट जाता है। तो 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्रिस्टल जल हट जाता है, या फिर ऐसे कह दो कि 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बाद ग्लूमर लवण का क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, इसलिए इसका, इसकी विलयता क्या हो जाती है, घट जाती है। ये लो भी, ये आ गया आपके कौन सा कारक, ताप कारक। दो चीज पढ़ी आपने ताप में, दोबारा बता रहा हूं, देखो दो चीज पढ़ी आपने, कौन कौन सी पढ़ी, जल्दी जल्दी बता देता हूं। एक तो पढ़ी विलय व विलायक की प्रकृति, वो तो आपको याद ही है, विलय विलायक समान समान को घोलता है। दूसरा पढ़ा था ताप, ताप में दो चीज पढ़ी थी, एक तो क्या कि यदि विलय को विलायक में घोलने पर क्या होता है, ऊष्मा का बोलो अवशोषण, तो यदि ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उनके लिए डेलच का मान कैसा आएगा, बोलो डेलच का मान आएगा, ऊष्मा अवशोषण होता है तो पॉजिटिव, कैसा आएगा, पॉजिटिव, और डेलच का मान पॉजिटिव आएगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ताप क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताप बढ़ाने से विलयता बढ़ती है। उदाहरण बताओ, याद करना पड़ेगा, उदाहरण कौन सा है, NaCl, NaNO3, AgNO3 बताए थे आपको, ये सब इनको क्या करोगे, जब जल में घोलोगे तो आप जब ताप बढ़ाओगे तो विलयता बढ़ेगी। दूसरा था कौन सा, ऊष्मा का उत्सर्जन वाला, जल्दी जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूं, कौन सा था ऊष्मा का जिसमें उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उनमें डेलच क्या आता है, आपको बताया था मैंने, क्या आता है, नेगेटिव, और यदि डेलच का मान नेगेटिव आते हैं तो फिर ला सेताली के नियम से आपको ताप क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, विलयता बढ़ेगी। एग्जाम्पल सबसे अच्छा ये बता देता हूँ, कौन सा, लिथियम सल्फेट, एक और कौन सा था, नियोच, एक और कौन सा था, कैल्शियम एसीटेट। ये लो जी, एक आखिरी चीज बताई थी, कौन सी, ग्लूमर लवण, फार्मूला भी याद रखना है, Na2SO4.10H2O, ये ऐसा है जिसका, जिसकी विलयता 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो बढ़ती है लेकिन इसके बाद घट जाती है। कारण बताओ जी, कारण इसका ये होता है कि 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ग्लूमर लवण का क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, इसलिए इसकी विलयता घट जाती है। दो कारक पढ़ लिए, आखिरी आखिरी कारक है कारक नंबर 3, कौन सा, दाब। दाब के लिए आपको याद रखनी है एक ही बात
कि दरों में ठोस विलयनों पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये लो जी, पहला कंप्लीट हो गया। कौन सा? दरों में ठोस विलयन, विलयन की विलयता की प्रभावित, तीन इसको प्रभावित करने वाले कारक बता दिए कौन कौन से हैं। पहला विलय विलायक की प्रकृति, दूसरा ताप और तीसरा दाब। ये